नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से करियर पर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है यश, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए नई वीडियो। वीडियो को टाइटल आप देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी जीके एनालिसिस शिफ्ट 2 के बारे में, जो कि 18 अगस्त को हुई थी। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो क्वेश्चन इसमें आए हैं वो क्या 19 अगस्त को भी देखे जा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा आरआरसी ग्रुप डी जीके एनालिसिस, आरआरसी ग्रुप डी जीके विश्लेषण, विश्लेषण एनालिसिस, मतलब सेम होता है। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो है मिस न हो, आप तक पहुंच जाए। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस लेके आने के लिए। डेली वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हम देख लें कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पूरा। पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। क्या है, समझा दूँ थोड़ा सा आपको। ये एक सेंट्रल स्कीम है जो रिलॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। जो 11th प्लान था उसके रिमेनिंग पीरियड में इसमें करी गई थी, जिसको सपोर्ट दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो पूरा की फुल फॉर्म क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सम अदर नेम्स ऑफ चाणक्य। चाणक्य के कुछ और नाम क्या थे, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन में। तो चाणक्य के दो नाम और हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इसके दो और नाम है चाणक्य के। अगर आप यहाँ पर ये करके आए हैं कि दो नाम आप लिख के आए हैं कौटिल्य और विष्णुगुप्त, आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ बताया गया, पूछा था दोस्तों मोशन का, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये यही कहता है कि वस्तु का विपरीत दिशा में खींचना, पैर में चोट लगना तथा गेंद का ऊपर दिशा में जाना आदि प्रतिक्रियाएं हैं। अतः न्यूटन का प्रस्तुत तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहलाता है। यदि हम टेबल पर किताब रखते हैं तो जितने जोर से किताब टेबल को नीचे की ओर दबाती है उतना ही टेबल किताब को ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिफ्लेक्शन हमें रिएक्शन हमें कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब दोस्तों ये जो कुछ 10 क्वेश्चन मैं आपके लिख रहा हूँ ना, ये 10 क्वेश्चन मैं लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब जो भी आगे के 10 क्वेश्चन है ये दोस्तों मेन क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, बाकी वो वाले 3 भी पूछे गए थे, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कल के पेपर में भी दे सकते हैं जो कि 19 अगस्त का पेपर होने वाला है। तो बाकी हम 19 अगस्त वाले की भी एनालिसिस लेके आएंगे मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो आपको पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रही मेरी। तो पहला क्वेश्चन देख ले, ऐसा यूनिट ऑफ पावर तो वो होती है वॉट। केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्रह्म समाज किसने एस्टैब्लिश करा था राजा राम मोहन रॉय ने। पीवी सिंधु एसोसिएटेड है कौन सी गेम से, तो बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। पहली स्टेट मुगल्स की एस्टैब्लिश की थी किसने, बाबर ने। करंट सीएजी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं वो कौन है अभी, गिरीश चंद्र मुर्मू। हमारी एक यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है। अब किसने हमारा गोल्ड मेडल जीता है हमारा बैडमिंटन में बर्मिंगम कॉमनवेल्थ 2022 में, तो वो है पीवी सिंधु। कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, तो वह बैडमिंटन। आर्टिकल 21 क्या कहते हैं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर बाय लॉ। अगर दोस्तों आप लोग यही आंसर लिख के आए पेपर में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि बाकी लोगों को पता चले कि कितने लोगों ने काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दिया।